In this video lecture, I will explain you energy losses in a transformer. What are the energy losses in a transformer? The efficiency of the practically transformer is never 1 or 100%. The various types of energy losses in transformer are as given below. Means जो transformer की efficiency है वो ऑलवेज 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी का लॉसेस होता है. फर्स्ट लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस. द फ्लक्स मेड बाई प्राइमरी कॉइल शुड बी 100% कनेक्ट विद द सेकेंडरी कॉइल. बट हेयर फ्लक्स बाई प्राइमरी कॉइल इज नेवर 100% कनेक्टेड विद द सेकेंडरी कॉइल. सो एनर्जी लॉसेस मीन्स व्हेन हम प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से, तो उसमें क्या है, हमारा करंट फ्लो होने लगती है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होने लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल्स क्या होती है, हीटअप होती है. हीट होने से उसकी हीटअप में एनर्जी का लॉसेस होता है, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होता है. मीन्स क्या है, 100% इनपुट एनर्जी, अगर हम सपोज करते हैं किसी सिस्टम को 100% इनपुट एनर्जी दें लेकिन आउटपुट उसका 100% हमें फाइंड आउट नहीं होता है, यही हमारा फ्लक्स लॉसेस है. ठीक है, सो एनर्जी लॉसेस, इसीलिए इसमें एनर्जी का लॉस होता है. सेकंड इज अ कॉपर लॉसेस. कॉपर हैज सम रेजिस्टेंस, हम कॉपर वायर यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो कॉपर हैज सम रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो कॉपर रखता है. ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल, इस रेजिस्टेंस में कॉपर कॉइल में क्या होता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है. लॉस कैसे होगा, करंट फ्लो होगी उसमें, कॉइल हीट अप होगी तो हीट एनर्जी का लॉस होगा. एच इक्वल आई स्क्वायर आर, हीट इज ए लॉस. सो ट्रांसफार्मर में हीट एनर्जी का लॉस होगा. सेकेंड हिस्टेरेसिस लॉसेस. द एसी फ्लोइंग थ्रू द कॉइल मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज. आयरन कोर जो होती है ट्रांसफार्मर में वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती है अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइज सम एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस. साउंड, स्टेपल्स वाइब्रेशंस है, स्ट्राइक हैं, लॉसेस ऑफ एनर्जी करते हैं. जो स्टेपल्स होती हैं ट्रांसफार्मर की उसमें वाइब्रेशन होता है, साउंड होता है, तो उसमें लॉस एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है. द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज गिवन, मीन्स हियर प्राइमरी कॉइल में जब हम एसी फ्लो करते हैं, सपोज उसे 100% एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं या इनपुट 100% है, तो आउटपुट में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेवर 100%. ओके,